दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप लोग आ गए हो तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठकर मेरी बातों को सुन लें। हो सकता है कि मेरी बातों से आप लोगों की बहुत सारी टेंशन कम हो जाए। हो सकता है बहुत सारे आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब मेरी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, आप लोग कल से ये लगातार सुनते होंगे, गोदी मीडिया के चैनल्स पर भी बहुत सारी न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी कि लॉकडाउन में छूट मिल गई है, लॉकडाउन में ये खुल गया है, लॉकडाउन में वो खुल गया है। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कल से सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या खुला है आपके एरिया में, ये अभी कोई भी नहीं बता रहा है। मेरे एरिया में क्या खुला है, आपके एरिया में क्या खुला है, ये हर एक देशवासी जानना चाहता है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक वन शुरू हो गया है, ये सारी बातें तो फिजूल की बातें हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो हर एक आम आदमी जानना चाहता है। तो इस वीडियो में ऑफिस वालों के लिए भी खबर है, बिजनेस वालों के लिए भी खबर है, टैक्सी वालों के लिए भी खबर है, ऑटो वालों के लिए भी खबर है, जितने भी कारोबारी हैं उन सब के लिए इस वीडियो में एक अच्छी खबर आई है। दोस्तों, ये खबर अभी यूपी से आ रही है, लेकिन यूपी के अलावा भी देश में जितने भी राज्य हैं वहां पर भी लगभग इसी तरीके के हालात रहेंगे जो मैं यूपी के बता रहा हूँ। यूपी की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में भी तकरीबन ऐसी ही गाइडलाइन आगे एक दो दिन में जारी कर दी जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये फैसला सिर्फ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, तो योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आइए मैं आप लोगों को यूपी की गाइडलाइन बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, एक आम आदमी की तरह। देखिए, मैं अपनी न्यूज ऐसे ही बताता हूँ कि जैसे ऐसा लगता है कि मेरे सामने आप बैठे हैं और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो नहीं चीखते चाकते म्यूजिक के साथ, ये वो सब ड्रामा अच्छा नहीं लगता। एक आम इंसानों की तरह, जैसे हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सबसे पहली चीज आई है कि जो ऑफिस खुलेंगे, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, अभी तक क्या नियम थे कि वहां पर जो है कुछ लोगों के जाने की इजाजत थी, यानी कि 30% स्टाफ जो है ऑफिस में जा रहा था, लेकिन अब 100% स्टाफ ऑफिस में जा पाएगा। लेकिन इसके लिए नियम बनाए गए हैं। अगर मानना आपकी शिफ्ट 9 बजे की है तो आधा स्टाफ 9 बजे से शाम जितने बजे तक भी आपका चलेगा उतने बजे तक, उसके बाद 10 बजे से एक घंटा आगे तक शाम के, उसके बाद 11 बजे से, यानी कि 3 शिफ्टों में ऑफिस में आप लोग जा सकते हैं। अब आपकी कौन सी शिफ्ट होगी ये आपको आपके ऑफिस से पता चल जाएगा, यानी कि ऑफिस खुलेंगे और सारे लोग जितने भी ऑफिस में काम करते हैं वो शिफ्ट के हिसाब से ऑफिस जाएंगे। सब लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, रोजाना थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी, और भी जो एहतियात हैं वो आपको रोजाना बरतनी होंगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो है कि बाजार जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुलेंगे। अब तक क्या हो रहा था कि शिफ्टों में खुल रहे थे, अब 9 बजे से सुबह शाम 9 बजे तक बाजार पूरे खुले रहेंगे। इसके अलावा सुपरमार्केट खोलने पर भी मुख्यमंत्री ने जो है आदेश दे दिया है, सुपरमार्केट जो होती है वो भी खुलेगी। इसके अलावा जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी, ये सब्जी वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के रात के 9 बजे तक सब्जी मंडी खुली रहेगी, और फल मंडी जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यू खुले रहेगी। ऐसा नहीं कोई शिफ्टों के हिसाब से खुले, लगातार सुबह 8 से रात के 8 बजे तक फल मंडी भी खुली रहेगी। इसके अलावा जो है मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, हलवाई जो है मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन अपने दुकान में बिठा कर खिला नहीं सकते। आप कहीं मिठाई लेने जा रहे हैं, मिठाई खरीदें, घर पे आकर खा लें। अजंता के यहाँ जाएंगे, किप्स की मिठाई खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि आप खरीद कर वहीं बैठकर खाने लगे, घर पर लाकर खाओ भैया आराम से। इसके अलावा जो है बस में, बस सेवा भी शुरू कर दी है, बस में सिर्फ उतने ही लोग बैठेंगे जितनी बस में सीटें हैं। बहुत सारे लोग खड़े होकर लटक कर चले जाते थे, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म, और बस में जो है थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी हर एक यात्री की। इसके अलावा कार में भी जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठकर जा सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बैठेगा। अगर 4 लोग बैठने की कार है तो 4 ही बैठेंगे, 5वां बैठेगा तो समझ लेना चालान हो जाएगा। इसके अलावा 2 पहिया वाहन पर भी 2 लोग बैठकर जा सकते हैं, अभी तक सिर्फ 1 जा रहा था। ऑटो में भी जितनी सीटें हैं, ऑटो चलते हैं 3-व्हीलर या टैक्सी, उसमें भी जितनी सीटें हैं उतने ही लोग बैठ सकते हैं। ये ऑटो वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक इजाजत थी कि सिर्फ 1 ही बंदा ऑटो में बैठकर जाएगा, लेकिन जितने भी यात्री होंगे सबके मुंह पर फेस मास्क जरूर लगा होना चाहिए। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए,
पार्क भी खुल गए हैं भैया, जो शहरों में लोग पार्क में घूमने जाते हैं, गांव में तो ऐसे ही निकल जाते हैं सुबह सुबह खेतों में, लेकिन शहरों में जो पार्क में घूमने जाते हैं वो सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पार्क खुलेंगे और शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक शहरों में पार्क खुले रहेंगे। रोडवेज की बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर, बाल तो काफी बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, तो सैलून और ब्यूटी पार्लर जो है खुल जाएंगे। महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई थी तो ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं और सैलून भी जो है खुलने की इजाजत दे दी गई है। 1 जून से रेल सेवा भी शुरू हो चुकी है। रेल वाले बहुत ज्यादा पूछ रहे थे क्वेश्चन कि रेल सेवा शुरू होगी नहीं होगी, तो 20 स्पेशल ट्रेनें चला दी गई हैं। इसकी जानकारी मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा क्योंकि वो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो स्पेशल ट्रेनें भी 20 चला दी गई हैं। इसके अलावा वही शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल भी खुलेंगे जो मैंने आप लोगों को सुबह बता दिए थे। तो तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने वो सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं जो आपके दिमाग में चल रही थी। अब थोड़ी सी एक बात और सुनते जाइए, अभी रुक जाओ। तो ये गाइडलाइन जो थी ये यूपी की गाइडलाइन थी, लेकिन इसके अलावा भी जो सूत्रों से खबर आ रही ANI के सूत्रों से, न्यूज एजेंसी ANI, इसको तो आप लोग जानते होंगे, तो पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं वहां पर भी तकरीबन इसी तरीके के हालात आप लोगों को अगले 1 महीने में देखने को मिलेंगे, जो यूपी की गाइडलाइन है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां पर लॉकडाउन जिस तरीके से सख्ती से अभी चल रहा है, इसी सख्ती से वहां पर भी लॉकडाउन चलता रहेगा। अगर वहां पर मरीज खत्म हो जाते हैं तो वहां पर भी ये सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में भी आती है और आप लोगों के दिमाग में भी आती होगी कि सरकार ये गाइडलाइन बनाती है, नियम कानून बनाती है, छूट देने के बाद भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे भी सवाल पूछते हैं कि भाई हम लोग घर से निकलते हैं उसके बावजूद भी पुलिस हमें मारती है, मार्केट खोलने की इजाजत है लेकिन फिर भी पुलिस हमें चालान कर देती है, हमें मारती है, आखिर ऐसा क्यों करती है पुलिस? ये तो बस पुलिस ही बता सकती है। हो सकता है भाई कि आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में हो इसलिए आपका चालान होता हो, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग शायद बाजार जा रहे हैं, निकल रहे हैं, बाजारें खुल रही हैं। हो सकता है कि आपका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता हो इसलिए पुलिस आपको वहां पर रोकती हो। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी अब कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के आधार पर एक वीडियो तैयार करके आप लोगों तक जरूर।